इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर के मुद्दे पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस पार्टी और टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हिंदू धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाया। राम मंदिर को लेकर सियासत जारी है। असम के सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने यहाँ पर प्रतिक्रिया दी है अपनी, और राम मंदिर को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उसे लेकर ही यहाँ पर उनकी तरफ से बातें कही गई। हम का नाम में अनप सनप शब्द बोलने में उनका जो कंपटीशन है, मैं उनको साइलेंस करके बोलता हूँ कि कभी बाबर का नाम में बोलो, कभी औरंगजेब का नाम में बोलो, कभी अल्लाह का नाम में बोलो। हम तो ना अल्लाह का खिलाफ बोलता हूँ, ना हम भगवान का खिलाफ बोलता हूँ, ना हम जेसस का खिलाफ बोलता हूँ। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत तकलीफ हो रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सनातन धर्म को अपमान से देखने का भी आरोप लगाया है। धर्म के प्रति कांग्रेस नित गठबंधन अपमान की दृष्टि से जो बात करता है, जो काम करता है, वो कांग्रेस और विशेषतः गांधी परिवार के संस्कारों को दर्शित करवाता है। जिन लोगों ने बाबर की मजार पर माथा टेका, वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। जब तक रामलला टेंट में विद्यमान थे तब तक कांग्रेस को कोई तकलीफ नहीं थी। आज भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं का कलेजा फटता है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में राम मंदिर को लेकर बयान दिया। उन्होंने अपने बयान के जरिए राम का विरोध करने वालों पर निशाना साधा। उपराष्ट्रपति ने साफ कहा कि राम को नहीं मानना संविधान का अपमान है, क्योंकि राम राज्य की कल्पना भारत के संविधान में निहित है और संविधान निर्माताओं ने इसे पराकाष्ठा पर रखा है। मुझे वहां कहना बड़ा सार्वजनिक रूप से कि राम की कल्पना, राम राज्य की कल्पना भारत के संविधान में निहित है, संविधान के निर्माताओं ने इसको प्रकाशा पर रखा है। संविधान में जो 20 से ज्यादा चित्र हैं, उनमें मौलिक अधिकारों के ऊपर जो चित्र है उसमें राम वंशवंश का स्थान है। होती है जब कोई उनमें किसी की आलोचना नहीं करता, अज्ञानी हो, इतिहास से अमीर है, जो वर्तनामा दे देते हैं कि राम काफी है, वो वर्तमान में किसी का अनादर नहीं करे, वो हमारे संविधान निर्माता का अनादर करें, जिन्होंने बहुत सोच समझ कर विवेकपूर्ण तरीके से उन चित्रों को उभारा। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो राम को काल्पनिक मानते हैं वो अज्ञानी है, क्योंकि राम राज्य की कल्पना जो है वो संविधान में इसका जिक्र किया गया है। ऐसे में राम विरोधियों पर उनकी तरफ से निशाना साधा गया। जो लोग राम को लेकर सवाल उठाते हैं उन पर उन्होंने यहाँ निशाना साधा, साथ ही संविधान का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि संविधान के अंदर राम राज्य की कल्पना की गई है, और अगर कोई राम को काल्पनिक बताता है तो जाहिर तौर पर वो अज्ञानी है।